सर टीचर बताते तो सही है, हम लोग को बताते हैं कि अब बेटा तुम मैथ से हो, ये तुम्हारे लिए लक्ष्य है, तुम ये चूज कर सकते हो। पर सर टीचर जब टेस्ट लेता है हमारा सब सब्जेक्ट का, तो जिस सब्जेक्ट में हमारा ज़्यादा नंबर होता है, टीचर को इसको देखते हुए हमें ज़्यादा सपोर्ट बताना चाहिए उसे कि बेटा तुम ये कर रहे हो, इससे तुम्हें ये कोर्स मिल जाएगा बहुत आसानी से। ये चीज़ दरअसल टीचर इन्वॉल्व कर देते हैं, नहीं बताते हैं। तो सर इससे मतलब कि हम लोग सभी क्षेत्र में जाने की सोचते हैं जितना हम लोग का है, सर इससे मतलब वो हमारा नहीं हो पाता है, क्या कहते हैं, सभी क्षेत्र में माइंड लग जाता है जिससे किसी में सफलता नहीं मिल पाती है। तो सर इसलिए सर हम चाहेंगे कि हमें मतलब बाहर से सरकार की तरफ से कोई आवे और बतावे कि मतलब कि बेटा ये अनुभवी मतलब जो हो बच्चों के मन के अंदर की बात जाने और उनकी ये सब समस्याओं को बताएं, उनको कि एक तरफ केंद्रित करें। कोई बताने वाला नहीं था कि हम ये चीज़ करें तो आगे जाके ये हमको फ़ायदा इसका मिलेगा या हम इससे आगे क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कोई समझाने वाला नहीं था, ना ही कोई बताने वाला था। जिस प्लेस से मैं आया हूँ वहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज अब थोड़ा बहुत मिल रही है, लेकिन बट अगर देखा जाए जिस हिसाब से यहाँ पर हमको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है या फिर जो कोर्सेज कर सकते हैं वो चीज़ वहाँ नहीं है। वहाँ पर केवल ये चीज़ है कि जैसे एक रेज उठती है ना, वो चीज़ है वहाँ पर अब रेज हो रही है कि क्या चीज़ है आईटी सेक्टर और मतलब इसके बारे में क्या क्या संभावनाएं हैं, आगे क्या करियर बन सकता है इसके बारे में, बट वो चीज़ एनफ नहीं है। हम लोगों ने भी वहाँ से 6-7 महीने का कोर्स किया, बाद में फील हुआ कि ये चीज़ एनफ नहीं है, आगे बढ़े देखा कि 1 साल का कोर्स किया दूसरी जगह से, वो भी एनफ नहीं समझा। फिर इंफॉर्मेशन कलेक्शन जैसे होता जाता है उसी हिसाब से आज हम आईटीआई में हैं, बट अगर हम देखते हैं कि दिट इज़ नॉट मैच्योर, अभी आर नॉट मैच्योर एनफ अबाउट दिस थिंग। प्राइमरी स्तर पे ही स्कूल में टीचर को गाइड करने की एबिलिटी होनी चाहिए, मतलब उनको एक काउंसलिंग उनको देनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि आजकल होता क्या है कि इंटर तक तो बच्चे अपने आप ऐसे निकल जाते हैं, कोई आर्ट ले लिया कोई कुछ ले लिया, उसके बाद जब वो पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि मैंने पीछे बहुत कुछ खो दिया है। मुझे मतलब जब इस स्टेज में हम लोग सीख रहे हैं तो हमें अब ये लगता है कि हम लोगों को जूनियर हाई स्कूल या कक्षा 8 में ही इतना सीख लेना चाहिए था समय की डिमांड रखते हुए। जहाँ तक बात करियर काउंसलिंग की करी जाती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट अगर यहाँ पर प्रेजेंट टाइम सोसाइटी में देखी जाए तो लैक ऑफ दिस थिंग दूर दूर तक देखने की नहीं मिलती। बच्चा अगर जाता है एडमिशन के लिए प्रोस्पेक्टस दे दी जाती है उसको, अब उसी हिसाब से उसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं जो भी डेटा है उसके समझ में आए या ना आए अपने हिसाब से उसको फिलअप करके सबमिट कर देना है, बाद में किस सेक्टर में उसका नाम आ रहा है क्या नहीं है, जैसे तैसे चलो अब फॉर्म डाला है नाम आ गया तो कुछ ना कुछ कर लेते हैं। बाद में ये चीज़ होती कि वो उसके इंटरेस्ट की चीज़ नहीं होती, बट वो बहुत समझ के उस चीज़ इसलिए करता है कि शायद आगे वो चीज़ काम आ जाए, रेली ऐसा होता है कि मतलब सक्सेस हो जाए उस फील्ड में, बट उसके मन की चीज़ जब नहीं मिलती उसको तो ऐसा लगता है कि बहुत समझ के वो काम करता रहता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हम लोगों को पता नहीं होती हैं और जब वो टाइम निकल जाता है तब हम सोचते हैं अरे शायद ये तब पता होता तो हम कर लिए होते। सबसे बड़ी तो यही प्रॉब्लम है कि बहुत सी चीज़ों सब्जेक्ट या हम वो सब्जेक्ट नहीं चूज़ कर पाते हैं कि हमको आगे इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, जो मन में आया चूज़ कर लिया, उसके बारे में आगे नहीं सोचा क्या होगा, बस पढ़ना है बीए करना है एमए करना है वो कर लिया, एक ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री आ गई हमारे हाथ, बस इतना ही। पीपल विल बी इंटरेस्टेड इन म्यूजिक ड्रामा एंड ऑल एंड दे कांट चूज इट बिकॉज इट कांट ब्रिंग देम money means for taking care of family and our younger sisters or brothers for their studies also we need money, but if we are interested towards it also we can't choose it as career in our future, so they will take the other route which can bring them money, then how can they means manage both the things like that. जो जितना कर पाता है वो करे, किसी को हर कोई तो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन जो जितने में है उतने में ही करे, और सरकार को यह एक संस्था चलानी चाहिए जिससे कि सभी स्कूलों में जाकर बताया जाए कि कैसे है आप सभी बच्चों कैसे अपना निर्धारित लक्ष्य पूरा कर सकें।
our careers should be depending on our interest as well as the guidance which we get. Means if at all I will be interested in some other field or anything, if we don't get any guidance and all, we can't go in that fields and all. So we should get the guidance from the teacher or web or something else. A resource should be there that should give us informations and all. And